Let's focus on a big story in Delhi, and that is rebel in the Aam Aadmi Party ranks. Arvind Kejriwal is facing a twin attack. Maninder Singh Dheer was the speaker of the Delhi Assembly. You see that gentleman on your screen there. He's praised Prime Minister Narendra Modi. He's also lashed out at the Aam Aadmi Party for what he terms are undemocratic ways that the party functions in. The other picture you see on your television screen is Vinod Kumar Binny, an Aam Aadmi Party rebel candidate, and now he says he will contest against Arvind Kejriwal from the New Delhi seat. Let's get your reactions on the story. ऐसा है आम आदमी पार्टी ने जो किया है कि ये कहते हैं कि हमने टिकट काट दी तो इनसे ये पूछो कि मैंने आपसे दोबारा टिकट मांगी कब थी मैंने इनसे टिकट मांगी नहीं तो टिकट काटने का मतलब किया अगर मैंने अप्लाई किया तो कोई दिखा दें मैंने सेवा करनी है अभी मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है कोई पार्टी मेरे को इन्वाइट करेगी या नहीं करेगी ये समाज सेवा मेरी भावना है मैंने समाज सेवा करनी है लेकिन जब कोई ऐसा वक्त आएगा कोई पार्टी मेरे को अप्रोच करेगी तो मैं उस समय इसको देखूँगा हर जगह पर लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं उनके कामों को पसंद कर रहे हैं एक नए विकास की विकास शुरू हो चुका है है मेरा टारगेट है कि झूठे और कपटी लोग जिन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया झूठ और फ्रेम के आधार पर उनके उनके पारदर्शी उनके उनकी सच्चाई लोगों के सामने लाना मेरी प्राथमिकता है चाहे मुझे उसके लिए चुनाव भी लड़ना पड़ेगा लेकिन उसके लिए कोई गुरेज नहीं है नई दिल्ली में जाऊंगा चुनाव प्रचार करूंगा और अरविंद जैसे लोगों को जिन्होंने झूठ के आधार पर इस देश में राजनीति की और एक नई झूठ और कपट की राजनीति को बढ़ावा दिया ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना हमारी प्राथमिकता है And Deputy Editor Aatir Khan joins us with the latest. Aatir, what's happening inside the Aam Aadmi Party ranks? Vinod Binny, Shazia Ilmi, MS Dheer. Before elections, there are dissensions in the ranks. There are people who are leaving the party. How has the Aam Aadmi Party reacted to this? Well, you see, after the decision to, you know, not remain in the government, there was a clear split between within the Aam Aadmi Party. There was a view that the Aam Aadmi Party should have continued in the government, and there was another, you know, school of thought which said that they should have withdrawn. So, you know, it stems from there. Several leaders have now abandoned the party, and there are indications that more are going to leave it. We heard MS Dheer saying that he's clearly appreciating Modi government's achievements. And we are also learning from our sources, Gaurav, that he's soon likely to join the BJP. So there is a major jolt for BJP because he's a big face of the party in Delhi. And we're also hearing that other leaders are preparing to take on Aam Aadmi Party who were once loyal to the party. Okay, stay with me for a moment, Aatir. We'll talk about this in greater detail. We are getting a reaction from the Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal, also from party leader आशुतोष लेट्स लिसन इन टू देम फर्स्ट मोदी जी की तारीफ करी है उन्होंने और पहली चीज तो हाँ वो तो है जिसकी टिकट कटती है वही कहता है डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी अभी एक मिनट अभी टिकट किसकी कटेगी किसकी नहीं कटेगी ये हमने डिसाइड ही नहीं किया ये स्पेकुलेशंस मीडिया में चल रहे हैं अभी तो असेसमेंट चल रही है सबकी पहली चीज तो ये कि भ्रष्टाचार का किसी भी एमएलए के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा ये बहुत बड़ी बात है पहली बार एक नई राजनीति को लोगों ने स्वीकार किया और 11 महीने हमारे एमएलए ने काम किया किसी के ऊपर जरा सा कोई भ्रष्टाचार का एक जरा सा दाग भी नहीं लगा अब हम परफॉर्मेंस के ऊपर एक असेसमेंट कर रहे हैं सबकी और परफॉर्मेंस के बाद जो भी होगा हम बताएंगे आप ही लोगों को बताएंगे डॉक्टर को दिल्ली में लाने की बात की जा रही है कि डॉक्टर डिमोशन जो उनका चल हुआ है बीजेपी का अपना इंटरनल मामला है जी जिसको भी मर्जी लाए विनोद कुमार बिन्नी ने कहा है कि देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हर आदमी हर विधायक का ये अपना अधिकार है जहाँ से लड़ना चाहे कहाँ से ना लड़ना चाहे जाहिर सी बात है चुनाव की सरगर्मियाँ तेज होंगी तो हर आदमी हर विधायक कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा तो इसमें कुछ भी हैरत आश्चर्य की बात नहीं